स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। अब देखो, आप हमेशा याद रखो कि कभी भी अगर आफ्टर है ना, आफ्टर के पहले और आफ्टर के बाद यदि दोनों ही सेम दे रखे हों तो वो सिंगुलर आते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, लेकिन ये प्लूरल दे रखा है, तो हमारे ए ऑप्शन में मिस्टेक आ जाएगा। इसका मतलब है कि स्पीकर जो बोलने वाले थे उनके एक के बाद एक केम ऑन द स्टेज स्टेज पर आए परफॉर्म करने के लिए, राइट ना। तो आप इसको हमेशा याद रखें, यही याद रखना है कि स्पीकर आफ्टर स्पीकर, राइट है, स्पीकर आफ्टर स्पीकर होगा। इसका मतलब है कि एक के बाद दूसरे के अर्थ में इसका हम प्रयोग करते हैं, तो जो दोनों नाउन है वो दोनों नाउन ही सिंगुलर की तरह ही यूज होंगे। चलो नेक्स्ट देखिए, डिड द चाइल्ड डैश फ्रॉम द चेयर। अच्छा देखो, आपको पता है एफ सी आई में और आर बी आई में आने वाला है, टेंसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप उन पर भी अच्छी कमांड बना लीजिए। मैं अलग से एक सेशन में आपको डेफिनेटली बताऊंगा, मुझे बहुत काम करना बाकी है, आपके बहुत सारे अभी टॉपिक्स रिमेनिंग हैं, तो डेफिनेटली उन पर वीडियोस में फटाफट काम ही बस ये रह गया है मेरे पास कि आपको अच्छी तरह से सिर्फ एग्ज़ाम तक क्वालिफाई हो जाए, उसके बाद ही सांस लेंगे। पहले इनको सबसे पहले खत्म करते हैं, फटाफट से इसको एक बार लर्न कर लीजिए, देख लीजिए। तो देखो, आपको सबको पता है डिड, अगर डिड सबसे पहले आता है तो जो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा कैसी होती है, क्रिया फर्स्ट फॉर्म होती है, राइट ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर फर्स्ट फॉर्म होती है तो इसमें आप सब जानते हैं कि यानी डिड द चाइल्ड, अभी ये क्या हो जाएगा, फॉल फेल सेकेंड फॉर्म होती है, फॉलन थर्ड फॉर्म होती है, फॉलिंग आएगा नहीं, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए हो जाएगा फॉल, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ही डैश हिज लिविंग बाय हार्ड वर्क। इसका मतलब वो कहना ये चाहता है कि वो जो अपनी रोजी रोटी कमाता है ना, वो बहुत हार्ड वर्क करने के बाद ही अपनी रोजी रोटी को कमाता है। तो अर्न, अब इसका मतलब हो जाएगा ही अर्न्स, यानी अर्न माने कमाना। अब देखो, विन जीतना, क्रिएट करना, एबल होना, इनका तो कोई मतलब है ही नहीं। अर्न्स यानी ही अर्न्स हिज लिविंग बाय हार्ड वर्क, यानी वो बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद अपनी रोजी रोटी कमाता है, राइट ना। तो ये हो जाएगा अर्न लिविंग, या फिर हम गए विन ब्रेड, इसका मतलब है रोजी रोटी कमाना। चलो नेक्स्ट देखो, जल्दी से खत्म करो इसे। ब्लिस, ब्लिस का अब आपको सिनोनिम्स बताना है कि जो ब्लिस है, ब्लिस का सिनोनिम्स क्या होगा। इसका मतलब होता है बहुत अधिक खुशी की स्थिति। अब बहुत अधिक खुशी की स्थिति यानी हैप्पीनेस, क्रिएट है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है कैंडिड। अब कैंडिड का आपको बताना था, कैंडिड का तो मतलब सबको पता ही यार, फ्रैंक होता है, तो कैंडिड मतलब फ्रैंक, ये हो जाएगा सिनोनिम्स। अब आपको नेक्स्ट बताना था, ठीक है, मीगर। अब मीगर का जो बताना है वो भी सिनोनिम्स ही आपको बताना था, मीगर का जो सिनोनिम्स है वो क्या है। तो ये तो सबको पता होगा, इन एडिक्वेट है, राइट ना, क्योंकि मीगर का जो मतलब होता है वो होता है बहुत कम मात्रा, किसी भी चीज़ की बहुत कम जब होती है तो उसको मीगर बोलते हैं, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इन एडिक्वेट, इसको आपको लर्न करना ही होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, मोस्ट पीपल लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ दीज डेज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी जो जीते हैं वो बहुत गरीबी की स्थिति में जीते हैं, यानी मुश्किल से अपने गुजर बस कर पाते हैं, राइट ना, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, किसकी वजह से, गरीबी भुखमरी की वजह से। तो अब इसमें आपको ये जो दे रखी है फ्रेज, इसमें मैंने पिछले वाले एक वीडियो में समझाया था कि हैंड टू माउथ इस फ्रेज का मतलब क्या होता है। ये ईडियम जो दे रखा है ना, हैंड टू माउथ, इसका मतलब होता है, इसका मतलब है आपका जो हाथ है वो सीधे सिर्फ अपने मुंह तक ही जा पाता है। अब डेफिनेटली आप दूसरे को नहीं खिला सकते, आपका हाथ सिर्फ अपने अपने मुंह तक ही सीमित है, तो यार इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी जो कंडीशन है वो कैसी है, मिजरेबली है, यानी बहुत दयनीय स्थिति है। हैंड टू माउथ का मतलब होता है बहुत पुअर, यानी गरीब। तो इसका हो जाएगा, देखिए, लाइवसली, हैप्पीली या फिर कंफर्टेबल, ये तो नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा मिजरेबली, राइट ना। आप इसको देख लीजिए, देखना छोड़ो, देखना क्या यार, हैंड टू माउथ का मतलब ईडियम होता है, इसका मतलब होता है कि बहुत गरीब, तो यानी वो हो जाएगा मिसरेबली, क्लियर। चलो नेक्स्ट, आई टुक एक्सेप्शन टू हिज रिमार्क्स एंड लेफ्ट द मीटिंग। अब इसमें क्या होता है, देखो इस जो फ्रेज इसमें दे रखी है उन सारी फ्रेजेस का यदि आपको मतलब पता है तभी आप इसका मतलब अच्छी तरह से निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब होता है कि टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है विरोध करना, किसी भी चीज का विरोध करना, तो इसका जो मतलब है विरोध करना यानी ऑब्जेक्ट करना, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टेड, यानी आई ऑब्जेक्टेड टू हिज रिमार्क्स एंड लेफ्ट द मीटिंग। तो टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है रिमार्क यानी विरोध करना किसी चीज का। ही हैज लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट। हमेशा याद रखें कि जब भी कभी लास्ट नाइट है, यानी कोई भी नजदीकी यदि पास्ट आ रहा है, ऐसा पास्ट जो नज़दीकी हो, यानी कल, परसों, अभी अभी
गुजर गया है ना, अभी जो ताजा पास्ट है, तो वो उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, यानी ये ही हैज लेफ्ट फॉर लंडन लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट की बात हो रही है, अभी नजदीक ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म यानी ये हो जाएगा लेफ्ट। क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा और देखिए नेक्स्ट है, इट इज नॉट वाइज टू डू द वर्क एट द 11th आवर। देखो एट द 11th आवर का मतलब ये होता है, मान लीजिए ये एक वॉच है, अब इस वॉच में 12 ये बज गए, अब इधर क्या बज गए 11। अब यार 12 बजने में आपको पता है ना कि 12 बजने के बाद फिर राइट एएम पीएम भी चेंज हो जाता है, तो आप मतलब मान लीजिए आपका 12 बजे का पेपर है और कोई भी काम आप 11 बजे खत्म, 11 बजे पढ़ने बैठ रहे हो, सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, तो यार इसका मतलब है एट द 11th आवर का मतलब होता है कि 11 जो है वो 12 के बिल्कुल नजदीक है, तो यानी किसी भी काम को अंतिम समय पर करना, क्योंकि ये लास्ट है ना, इसका खत्म होने वाला है, फिर पीएम लग जाएगा, तो कोई भी काम अगर आप अंतिम टाइम पर करते हो 11 बजे, तो वो होता है एट द 11th आवर। तो इसका क्या हो जाएगा, एट द मोमेंट ऑन द 11th आवर एट द एंड, तो ये हो जाएगा एट द एंड, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, मतलब आखिरी क्षण में। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, यानी ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए बोलता हो उसको बोलते हैं स्पोक्समैन। आपने न्यूज़ चैनल्स में देखा है, मतलब एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन होते हैं, वो उनको बोलते हैं, यानी वो उस पार्टी के लिए बोलते हैं, राइट ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये हो जाएगा सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स हॉर्स बैक, यानी ऐसे सैनिक जो कि घोड़ों की पीठ पर बैठ करके फाइट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कैवलरी। ये तो याद ही होगा आपको। नेक्स्ट है देखिए एम्बेरस। अब एम्बेरस का तो मतलब सबको यार पता होगा, ये तो नॉर्मल वर्ड है, एम्बेरस का मतलब होता है शर्मिंदा करना, और एम्बेरस की जो स्पेलिंग है वो सबको याद होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा EMBERRS। इसमें एकदम क्लियर होना चाहिए कि एम्बेरस की जो स्पेलिंग होती है, क्योंकि देखो ये सब है ना वो आपको बार 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 प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी ये चीज़ जो है क्लियर हो पाएगा। क्लियर है ना, तो ये हो जाएगा EMBERRS, इसको बार बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा, ही इज वन ऑफ दोज हु बिलीव इन गॉड, तो इसमें आपको बताना था, देखो इसमें ही इज वन ऑफ दोज हु बिलीव इन गॉड, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, मतलब नो इम्प्रूवमेंट। देखो आप हमेशा याद रखो कि अगर वन ऑफ है ना, तो वन ऑफ के बाद जो भी आएगा ना नाउन, वो हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, राइट ना। अब ये देखो वन ऑफ दोज यानी इनमें से एक, भले ये एक की बात कर रहा है, लेकिन आगे जो हु के बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा कैसे आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि हु से जो पहले होता है ना अगर वो सिंगुलर है तो हु के बाद वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी, यानी बिलीव्स आ जाता है यहाँ पर, है ना। अगर ये प्लूरल है तो हु के बाद वाली, अगर हु से पहले प्लूरल है तो हु के बाद वाली जो वर्ब है वो प्लूरल हो जाएगी, तो यहाँ पर देखो ये प्लूरल है, तो यहाँ पर ये क्या है, बिलीव आएगा, इसमें कोई गलती नहीं, सही है, बस याद रखो कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। अच्छा इसके भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है, तो पृथ्वी मिसाइल है जो कि सतह से सतह पर यानी पृथ्वी से पृथ्वी पर ही मार करती है, तो उसका नाम है पृथ्वी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मोस। जो ब्रह्मोस है वो मिसाइल सी, ये भारत और रूस के सहयोग से बनी हुई थी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से टैंक भेदी प्रक्षेपात्र कौन सा है, जो टैंक को भेद सकता है, तो वो है नाग, ऑप्शन डी। भारत की इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, तो ये है अग्नि सेकंड, यानी ऑप्शन ए। देखो सेकंड जिस तरह से लिख रहा है उसको देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि वो इंटरमीडिएट ही लिख रहा है। नेक्स्ट देखिए कि स्थल सेना के कर्नल रैंक के अधिकारी के समान वायुसेना के किस अधिकारी का पद होता है, तो वो होता है ग्रुप कैप्टन। नेक्स्ट देखिए, स्थल सेना के नव सृजित दक्षिण पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये है जयपुर में, यानी राजस्थान में है। कि जल सेना का मुख्यालय कहां पर है, यानी कि जो नेवी है, नेवी होती है, उसका मुख्यालय कहां पर है, यह है नई दिल्ली के अंदर।